सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर मिनाटर। दोस्तों आप लोगों का फिर स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। तो और एक अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद आया हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो और अच्छी सी लेके मैं। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एंड आपका जो सपोर्ट है वही मेरा हौसला बढ़ा कर रखता है दोस्तों। तो प्लीज़ बी सपोर्ट ऑन माई चैनल अनिल आर मिनाटर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये कहानी बहुत ही पुरानी है और बहुत ही एक दो बहुत ही उनको बोलते हैं कि बहुत ही जिगरी दोस्तों की कहानी है। एक छोटे से गांव के वो रहने वाले थे। एक बार वे दोनों किसी काम से शहर गए और वे वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। अपने गांव पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से होकर गुजरना था, क्योंकि उस गांव का जो गांव था उस गांव को तक पहुंचने के लिए क्या है लोगों को उस घने जंगल से गुजर कर ही अपने गांव तक जाना पड़ता था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उनको प्यास लगी और वो पानी ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गए। थोड़ी देर में शाम होने वाली थी, रात भी होने वाली थी। उन दोनों की नज़र एक गुफा के ऊपर पड़ी जो पेड़ों के चारों तरफ से घिरी हुई थी। उन्होंने सोचा यही जगह रात बिताने के लिए ठीक रहेगी और दोनों ने कुछ लकड़ियां उठाई, इकट्ठी की और गुफा के द्वार के अंदर ले गए और वहां आग जलाकर बैठ गए। रास्ता जो रात का वक्त था और गुफा के अंदर आग जल रही थी। बाहर बहुत अंधेरा था और कुछ जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की कहानियां बहुत ही सुन रखी थी। अपने दादा परदादा अपनी दादी से उन्होंने बहुत सारी कहानियां से सुन रखी थी, तो वो अंदर ही अंदर बहुत ही डरने लगा। रात के वक्त जंगल में कुछ भयानक आत्माएं भटकती रहती हैं और उन्होंने कोई ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो वो उन्हें नहीं छोड़ती हैं। जब उन्हें भूत प्रेत की बात अपने दोस्त से कर हंसते हुए बोला, क्या तुमने कभी कोई भूत देखा है? उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा है। उसके दोस्त ने बोला कि ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, अब तुम सो जाओ, नींद आ रही है। ऐसा कहकर उसका दोस्त भी लेट गया। वो कुछ देर में ही उसका दोस्त सो गया और दोस्त अंदर से डरा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि शायद यहाँ पर कोई है, छुप कर उन्हें देख रहा है। वहाँ आग में कुछ परछाइयाँ भी बन रही थी और परछाइयों को देखकर भी वो डर रहा था। कुछ देर तक ऐसा चलता रहा। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई, क्योंकि वो बहुत थक चुका था। नींद आने के बाद ही उसे एक सपना आया। सपने में उसे एक भयानक परछाई सामने आती हुई नजर आई। परछाई में उसे एक हाथ नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे। वो हाथ उसकी तरफ बड़ा आ रहा था और जैसे ही परछाई का हाथ उसके गले तक पहुंचने ही वाला था तो उसकी नींद टूट गई। उसने अपने दोस्त को देखा जो कि सो रहा था, उसे पकड़ कर उठाया, फिर अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसका दोस्त फिर हंसने लगा और कहने लगा, अगर दोबारा परछाई दिखाई दे तो तुम वो कहना जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ। उसका दोस्त फिर से हंसने लगा और वो कहने लगा कि अगर दोबारा परछाई दिखाई दे तो तुम उससे वो कहना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। फिर देखते ही परछाई तुम्हारा क्या करती है, देखते हैं। तुम्हें अंदर ही अंदर बोलना है कि मैं तुमसे नहीं डरता, सामने आ। उसके दोस्त ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसके सपने में वही परछाई नजर आई। उसने हिम्मत जुटाकर वही कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता, हिम्मत है तो सामने आ। धीरे धीरे परछाई छोटे होने लगी और धीरे धीरे वो परछाई दिखनी बंद हो गई। सीख ऐसा कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है अक्सर, हमारे अंदर जो डर है, जितना हम अंदर से डरते हैं उतने ही वो जो डर हैं वो बड़े होते जाते हैं। लेकिन अगर हम उनका सामना करते हैं तो दुनिया का कोई ऐसा डर नहीं है जो हमें डरा पाए।
तो आई होप दोस्तों मेरी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये जो स्टोरी है ये संदीप महेश्वरी जी हैं उन्होंने भी इस स्टोरी को क्या है, ये स्टोरी उनकी ही द्वारा क्या है बताई गई है। तो अकॉर्डिंग टू उनकी स्टोरी मैंने आप लोगों को ये स्टोरी सुनाई है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो पाए। एंड देन दोस्तों मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।